नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील वर्मा। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के पार्ट 3 में आर्टिकल 23 से आर्टिकल 28 की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकारों में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 28 तक में दिया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है कि भारत में दास प्रथा, बेगार, जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम और बलात्श्रम। दोस्तों, दास प्रथा तो हमारे देश में पहले से ही खत्म कर दी गई थी, कि इसे जो कि इस अधिकार में स्पष्ट कर दिया है। मतलब कि दास प्रथा में पहले कोई निम्न जाति या कोई गरीब व्यक्ति किसी साहूकार के यहाँ काम करता था और थोड़े से श्रम के बदले वो और उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उस साहूकार के यहाँ गुलामों का जीवन व्यतीत करते थे। इसे ही दास प्रथा कहा जाता था, जो कि खत्म कर दी गई है। और बेगार जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम की बात करें तो इसमें आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती से कोई भी कार्य नहीं करवा सकते बिना उसकी इच्छा के। ठीक है, ये सब बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें बाल श्रम, मतलब जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे आप किसी मील, उद्योग या किसी कारखाने में कार्य नहीं करवा सकते, जो बच्चे 14 वर्ष की आयु से कम है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों अनुच्छेद हमारे पूरे हो गए। अब बात करते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा चौथा मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हो और उसके विचारों का पालन कर सकते हो। यह आपकी कानूनी स्वतंत्रता है, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब कि आप धार्मिक कार्यों की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई यज्ञ पूजा पाठ या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन बुला सकते हो। इस प्रकार आपको यह स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कर संदाय में छूट, मतलब कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के आधार पर मांगे गए कर, मतलब धन संपत्ति दे या न दे, वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बाध्य नहीं होगा कि धार्मिक कार्य में कर दे ही, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और इसमें आप धार्मिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हो, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, यह आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध, मतलब किसी भी सरकारी या अनुदानित शिक्षा संस्था में धर्म की शिक्षा देने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आज हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 से 28 तक बात की। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल वाला बटन जरूर दबाएं।